आर सोनी न्यूज खबर आपको। आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं प्रिंस बहादुर सिंह। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू, ये नाम सामने आते ही हमारे जहन में वो रात याद आती है जिस रात टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों द्वारा भारत विरोधी नारे लगाए जाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। साल था 2014 और जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार। आज दिन है 6 सितंबर 2019 और आज है दिन छात्र संघ के चुनाव का जवाहरलाल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के। तो आज ये छात्र संघ चुनाव का दिन है और यहाँ पर चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। मैं मनीष संगेट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद प्रत्याशी। मनीष जी, उस दिन प्रेजिडेंटल डिबेट में भी आपने खूब यानी कि जमकर बरसे और जिस तरीके से आपने आयशा के बारे में बताया, लेफ्ट के बारे में बताया, किन किन मुद्दों को लेकर आप छात्रों के बीच पहुंचे हैं? एकदम एक्सपोज हो चुका है यहाँ पर, ये अवसरवाद की राजनीति करने वाला वामी संगठन जेएनयू को, जेएनयू के छात्रों के साथ धोखा करता है हर साल जेएनयू के स्टूडेंट के मुद्दों पर बात नहीं करता है, अपने आप पूरे देश भर और विश्व में जिताने का पूरा मन बना लिया है यहाँ के छात्रों ने। जिस प्रकार से जिन प्रकार से हम लोग स्टूडेंट इशू और कैंपस एंट्री मुद्दों पर हमारे डिबेट भी रहा और आगे यही हमारे डिस्कोर्स है कि कैंपस के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि इस विजन के साथ जा रहे हैं कि योर प्रॉब्लम इज आवर एजेंडा, तो स्टूडेंटों के लिए जेएनयू में काम करेंगे। एबीपी लगातार जेएनयू में बढ़त बनाया जा रहा है, यानी कि लोग काम, इस बार का जो रिजल्ट है उसको क्या कहेंगे आप? इस बार का रिजल्ट पूर्णतः एबीपी के समर्थन में रहेगा। जिस प्रकार से बहुत से ऐसे संगठन है जिनको 4 कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए, तो देख सकते हैं कि ये सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही एक शक्ति है जिस वजह से सामने वाले चुनाव लड़ने से पहले धाराशाही हो गए। तो आपको उम्मीद है कि 8 तारीख को जो रिजल्ट है वो एबीपी के खेमे में? एकदम 100%। किन किन मुद्दों को लेकर, जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप छात्रों के बीच पहुंची और हम लोग यहाँ की मूलभूत समस्याओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हॉस्टल समस्या हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और MBA बहुत दूर दूर है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन स्कूल बिल्डिंग्स तक उपलब्ध नहीं है। ई रिक्शा की फैसिलिटी बढ़ाने की समस्या हो या मेट्रो फीडर बस इंट्रोड्यूस करने की समस्या हो। हॉस्टल के फंड्स आए हुए हैं पर उनका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। और क्लिनिनेस, सैनिटेशन, फिर जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपस में बढ़ाने की ज़रूरत है। इन बेसिक मुद्दों के साथ लाइब्रेरी में फैसिलिटीज़ अपग्रेड होनी चाहिए, बुक्स आनी चाहिए, नई फंडिंग बढ़नी चाहिए और हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़ है उनका भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। इन बेसिक समस्याओं के जो कैंपस में है, जो कैंपस इतने सालों से जूझ रहा है लेफ्ट यूनिटी के जेएनयू में होने के बावजूद, उन बेसिक समस्याओं को के अगेंस्ट हम सब लड़ रहे हैं और इसी के लिए ही हमारा मेन मुद्दा है इस इसमें। आप एक महिला हैं, किस तरीके से कैंपस की महिलाओं की सुरक्षा, नहीं जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर? हाँ, वही मैंने बोला ना, यहाँ कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन की बहुत आवश्यकता है और गर्ल्स के लिए मूलभूत सुविधाएं की भी ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गर्ल्स सिंगल सीटर हॉस्टल अवेलेबल नहीं है जिस तरह का बॉयज़ अवेलेबल है, तो हमारा एक ये भी डिमांड है कि गर्ल्स सिंगल सीटर हॉस्टल हो। फिर हेल्थ सेंटर में 24/7 एक गायनोलॉजिस्ट हो, वो भी अवेलेबल नहीं है। और गर्ल्स के लिए स्पेशली जैसे PWD गर्ल्स होती हैं या होती हैं, तो वहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल नहीं है। गोदावरी हॉस्टल के पास से वहाँ से ई रिक्शाज और ये सब नहीं चलते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक्सटेंड हो वहाँ से, ये भी हमारी डिमांड है, एक बहुत बड़ी डिमांड है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के लिए आज सुबह 9:30 बजे से मतदान शुरू हुआ। मतदान 2 चरणों में होगा, जिसका पहला चरण सुबह 9:30 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक होगा। दिन भर जो वोट पड़ेंगे उनकी गिनती रात 9 बजे से की जाएगी और छात्र संघ चुनाव का परिणाम 8 सितंबर को जारी किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लाल सलाम, जय भीम और वंदे मातरम जैसे नारे कैंपस के अंदर गूंज रहे हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट पद के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें लेफ्ट से आतिशी घोष, ABVP से मनीष जांगिड़, बसपा से जितेंद्र सूना, NSUI से प्रशांत कुमार, CRJD से प्रियंका भारती और जेएनयू इलेक्शन कमेटी द्वारा नामांकन रद्द करने के बाद हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर निर्दलीय प्रत्याशी राघवेंद्र मिश्रा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जो दावेदारी आपकी, किस तरीके से देखते हैं, किससे टक्कर मानते हैं जी? जी देखिए, जो हमारा जो अपोनेंट है, वो यहाँ का VC है, यहाँ का प्रशासन है, वो हमारा अपोनेंट है। हम उसको अपना अपोनेंट मानते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों में जो इलेक्शन को रुकवाने से लेकर के उसमें बाधा डालने से लेकर के सारे चीज़ों में वो अपना एक रुकावट कर रहे हैं और वो VC परिषद को आगे करके
इसमें बाधा डाल रहे हैं। हम मानते हैं कि बीसी परिषद और वीसी दोनों लोग मिल करके हमारे मेन जो अपोनेंट है वीसी परिषद और वीसी। आप लोगों ने हमेशा मुद्दा उठाया इसे एडमिशन को लेकर भी, जो घपलेबाजी हुई थी कि जो एडमिशन था उसमें भी फेल बदले, तो क्या लगता है छात्र उस वजह से भी आप लोगों को वोट देंगे? लगता है घपलेबाजी की बात नहीं है, बात ये थी ऑनलाइन की बात थी, एमसीक्यू की बात थी, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा खर्च है। तो हमारा मेन कंसर्न ये था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही ऑफलाइन होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या कितना ज़्यादा खर्च नहीं था, ऑनलाइन में अभी जो 11 करोड़ का इन्होंने जो एक खर्च किया तो वो कहीं ना कहीं जो खर्च था वो यहाँ के कैंपस के, अगर कुछ खर्च कम होता तो कैंपस के मुद्दों पर उस खर्च को मतलब खर्च किया जाता तो ज़्यादा बेहतर। अपना नाम बता दीजिए। सतीश चंद्र यादव नाम है मेरा और मैं जनरल सेक्रेटरी पुष्प का उम्मीदवार हूँ लेफ्ट विंग की कैंडिडेट। अच्छा दानिश, मोहम्मद दानिश, किस पद के लिए आप यहाँ खड़े हैं? मैं यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पे खड़ा हूँ लेफ्ट की तरफ। अच्छा, क्या किससे कितनी टक्कर मान रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट का हमेशा गढ़ रहा है लेकिन एबीपी नए नए वादे कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं ये वादे नहीं है, ये बस जुमला है, जिस तरह से इनके प्रधानमंत्री जुमला फेंकते हैं कैंपस में इस तरह से फेंका जा रहा है, पता है कि जितना है नहीं पूरा करना है नहीं, जितना फेंकना फेंक दो, बस यही चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो आम स्टूडेंट्स है वो समझते कि हमारी लड़ाई कौन लड़ सकता है और वो हमेशा उसी के साथ खड़े रहे। कितनी उम्मीदें हैं जो 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कितने मुद्दे आपको? मामला पूरा क्लियर है, एक तरफ हम लेफ्ट यूनिटी है पूरा स्टूडेंट, यहाँ का जेनियस स्टूडेंट हमेशा से लेफ्ट यूनिटी के साथ खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी लड़ाई को कौन आगे लेके जा सकता है। जिस तरह से फंड कट किए जा रहे स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक मजबूत यूनिटी के साथ लड़ने की ज़रूरत है कैंपस के अंदर भी और सरकार से बाहर। मुद्दे क्या क्या थे अगर कैंपस की बात की जाए तो, जो 4 तारीख को जो पेनिट्रल डिबेट भी हुआ था उसमें भी आप लोगों ने बात रखी, क्या अहम मुद्दे हैं जिससे कि आप छात्रों को कहेंगे कि वो आपको ही वोट करें? अहम मुद्दे जिस तरह से सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस कैंपस का, किसी भी कैंपस का, एजुकेशन फील्ड में कि वहाँ पे फंड कट किया जा रहा है और इस फंड कट की वजह से उनका एक हेफा जैसे लोन ले ला रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देंगे लोन देंगे। लोन का मतलब समझ सकते हैं कि वो फिर लोन वापस चाहिए उसे पैसे। तो एक तरीका है ये कि किस तरह से पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को बर्बाद किया जाए, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक साथ इसी वजह से यहाँ पे एक मॉडल है 23 रुपीज़ का, उसको बचा के रखना चाहते हैं ताकि किसी भी तबके से लोग, हम जैसे गरीब परिवार से जो लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ सकें, तो इसी की लड़ाई है। वो स्टूडेंट समझते हैं कि किस टाइप की लड़ाई है, वो हमेशा से इसके साथ रहेंगे और आगे भी रहेंगे। यही मुद्दा है कि हम बेसिक जो यहाँ पे नीड्स है उसको लेकर के हम आगे बढ़े हैं और आगे भी हमारी लड़ाई इसी के मुद्दे के साथ यूनिवर्सिटी पे बेस जो मुद्दा है ये हमारा। सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, आप हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करके निष्पक्ष पत्रकारिता की तमाम खबरों को देख सकते हैं जिन्हें आप देखना सुनना और पढ़ना चाहते हैं।